मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। 9 जनवरी को कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। भजनलाल शर्मा ने ली राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा ने भी ली शपथ। बिहार में अतीक अहमद जैसा हत्याकांड। दानापुर कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे कैदी की गोली मारकर हत्या। दो शूटर गिरफ्तार। बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। एमएस धोनी की 7 नंबर जर्सी रिटायर। जर्सी नंबर को यादगार बनाने के लिए लिया फैसला। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें कि कल यानी गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले की अधिक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन उसको सुनेंगे। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि कचरा केशव देव परिसर की सर्वे रिपोर्ट के लिए कमीशन जारी करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। कमीशन की संरचना और स्वरूप तय करने के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय हुई है। जस्टिस मयंक कुमार जैन ने यह फैसला दिया है। मामले में भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव भी वादी है। अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने कहा कि कटरा केशव देव के नाम दर्ज पूरी जमीन भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान है, जो 13.37 एकड़ में है। इसमें शाही मस्जिद ईदगाह स्थित है। कमीशन जारी होने से दस्तावेजी सबूत हासिल होंगे। बिहार में अतीक अहमद जैसा हत्याकांड का मामला सामने आया है। गुरुवार को दानापुर कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम छोटे सरकार बताया जा रहा है। उसे बेउर जेल से लाया गया था। बेहटा थाने के सिकंदरपुर निवासी अभिषेक उर्फ छोटे सरकार कई हत्याकांड का आरोपी है। मौके पर पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बेहटा के सिकंदरपुर निवासी रजन सिंह का बेटा छोटे सरकार उर्फ अभिषेक 3 भाइयों में सबसे छोटा था और बेहटा थाना में आधा दर्जन मारपीट छीना झपटी के मामले दर्ज थे। भाजपा नेता भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान शर्मा के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा भी शपथ ले चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीनों को शपथ दिलाई। बता दें कि यह कार्यक्रम जयपुर में अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित हुआ। भाजपा नेता भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। इस शपथ समारोह में कई बड़े मंत्री भी शामिल हुए। आपको बता दें कि शपथ लेने के बाद उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है और अपने कार्यालय पहुंचते हुए भी नजर आए। भारत में जब भी क्रिकेट की बात होगी तो सचिन तेंदुलकर के साथ साथ किसी अन्य खिलाड़ी का नाम लिया जाएगा, तो वो एमएस धोनी ही होंगे। एमएस धोनी ने बतौर कप्तान और खिलाड़ी भारत के लिए बहुत कुछ किया है। टीम इंडिया ने एमएस धोनी को कप्तानी में आईसीसी के 3 खिताब अपने नाम किए थे।
वहीं धोनी की ही कप्तानी में भारत ने अपने आखिरी आईसीसी ट्रॉफी साल 2013 में जीती थी। धोनी इस उम्र में भी आईपीएल खेल रहे हैं और उनका फैंस बेस आज भी भारत के मौजूदा खिलाड़ियों से कई ज्यादा है। धोनी जिस भी स्टेडियम में खेलते हैं वहां लाखों फैंस उन्हें देखने के लिए आ जाते हैं। धोनी ने यूं ही इतना प्यार नहीं कमाया है, इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। आज भी फैंस धोनी को बतौर कप्तान और खिलाड़ी कई मौकों पर मिस करते हैं। धोनी के इन्हीं सफलताओं के कारण अब बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत उनकी जर्सी नंबर को हमेशा के लिए भारतीय क्रिकेट में यादगार बनाए रखने के लिए रिटायर कर दिया जाएगा। धोनी का जर्सी नंबर 7 है। माही का जर्सी नंबर 7 हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे का कारण धोनी खुद है। बीसीसीआई द्वारा इस नंबर को रिटायर किए जाने के बाद कोई भी भारतीय खिलाड़ी को अब यह नंबर नहीं दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा क्रिकेटर एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर किए जाने पर बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा कि बीसीसीआई का यह फैसला एमएस धोनी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट और ये उनके लिए सम्मान की बात है। जर्सी नंबर 7 एमएस धोनी की पहचान थी और उस ब्रांड को कमजोर होने से बचाने के लिए बीसीसीआई द्वारा उठाया गया यह कदम काबिले तारीफ है। बीसीसीआई का यह फैसला एक तरह से सम्मान है धोनी के लिए, क्योंकि उनका जो योगदान है भारतीय क्रिकेट में धोनी का, उसको देखते हुए फैसला है और ये बहुत उचित फैसला है। इससे जो है एक ऐतिहासिक जो 7 नंबर उनके साथ जुड़ी हुई थी जर्सी, तो अब कोई दूसरा उसको उपयोग करके वो ब्रांड डाइल्यूट ना हो, इसलिए बहुत। कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस पार्टी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी 2024 को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस पार्टी नेता महुआ मोइत्रा को आश्वासन दिया था कि वो कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा से उनके निष्कासन के खिलाफ उनकी याचिका की लिस्टिंग पर गौर करेंगे। फिलहाल इसे जनवरी के लिए टाल दिया गया है। झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले में पक्षकार बनाने का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया है। दुबे की शिकायत के बाद ही मोइत्रा का लोकसभा से निष्कासन हुआ था। लोकसभा में आचार समिति की रिपोर्ट को मंजूर किए जाने के बाद सोमवार को टीएमसी नेता को निष्कासित कर दिया गया। इसके विरोध में मोइत्रा ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। इस रिपोर्ट में मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अनैतिक और अशोभनीय आचरण का जिम्मेदार ठहराया गया। पुंछ के कुंछ नगर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिसका प्रमाण बीती रात देखने को मिला, जहां एक ही रात में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर शटर के अंदर से नकदी और सामान चुरा लिया। जो चोरों की हौसले को बुलंद होने का ये आलम है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से भी अब ये चोर डरते नहीं है। चोरी की दोनों वारदातें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई हैं और पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। पहली चोरी की घटना को रात करीब 1:30 बजे नगर में डिग्री कॉलेज के करीब बने रेस्टोरेंट में अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी चोरी की घटना नगर के मोहल्ला डुग्गस में सुबह करीब 4 बजे अंजाम दी गई, जिसमें सिटी जर्नल स्टोर के ताले को तोड़कर चोरों ने नकदी और सामान चुराया। जो सुबह 9 बजे कॉल आ रही है कि आपके दुकान के ताले दोनों टूटे हुए हैं, तो अभी फिर मैंने आके देखा जो दुकान के ताले टूटे हुए, अंदर कैश थी। रात को ही भाई को मैंने बोला था कि एटीएम से कैश निकाल के ला, तो हमने वो आरती है उसको देने थे पैसे। लगभग कैश 80,000 रुपये थी और 20,000 रुपये का लगभग सामान ले गए, चॉकलेट सिगरेट सिगरेट ये वगैरह उठा के ले गए हैं। तो उसके बाद पुलिस आई तो उन्होंने फुटेज फुटेज देखी, तो लगभग ये कोई 4 बजे की बात है, 4 बजे सुबह चोरी हुई है। 1:30 बजे करीब करीब भैया थोड़ा सा हलचल ही पता चला, कोई शटर के साथ कोई पंगा कर रहा है, तो ऊपर से जब नज़र मारी या कैमरों में देखा थोड़ा बंदे दिखे थे, 2 बंदे दिखे, पूरी तरपाल छरपाल लगाई हुई थी, कजे हुए थे, मुंह कजा हुआ था सारा कुछ। फिर जब थोड़ा सा नीचे हम ऊपर से नीचे उतरे तो वो भाग गए। जब थोड़ा सा आगे मैं भी साथ पीछे थोड़ा दौड़ा तो उनका एक शाल और वो उधर ही रह गया था। फिर जब हमने दुकान शुकान खोली तो एक साइड से शटर तोड़ा हुआ था, तो एक साइड से
कोशिश की थी एक शटर खोलने की, वो खुला नहीं। फिर देखा तो कैश थोड़ी लेके ज़्यादा कैश ही कैश पे ही उनका हो रहा, क्योंकि जल्दी हमें पता चल गया, हम जल्दी आ गए थे, तो या कि कैश का ड्रार उन्होंने तोड़ा तो ले। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।